जगत आधार ईश्वर के कुंज श्रवण कीर्तन में लीन सौम्य साधकों को सादर अभिवादन। भगवत कृपा से परमर्थ स्वरूप परब्रह्मा श्री राम जी में ध्यानस्थ शिष्यों का महाकाव्य श्री रामचरितमानस के विश्व कल्याणमय पाठ में स्नेहपूर्ण अभिनंदन। इस परम पवित्र सुमधुर पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, राम भक्ति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले उ महानदु सोन सुहावन। भावार्थ, सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जब पिच भक्ति देवधुनि धारा सोती सहित सुबिरति बिचारा, त्रिभित ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। भावार्थ, दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिले सुर सरीही, सुनत सुजनमन पावन करीही, पिच पिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। भावार्थ, इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विभाग बराती, ते जलचर अगणित बहु भाती, रघुबर जन्म अनंत पधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। भावार्थ, श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। भावार्थ, चारों भाइयों के जो बालचरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सीए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच अभिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। भावार्थ, श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। स्वयं एवं जीवन को राममय बनाने हेतु सुंदर कृपा के धाम लीलापूर्ण प्रभु के सरल हृदय भगवत भक्तों पर हरि कथा रूपी नित्य नैमित्तिक अनुग्रह की वर्षा का सदैव उपयोग करते रहें। भक्त भयहारी शरणागत वत्सल सर्वलोक महेश्वर सभी भक्तों का निरंतर एवं सर्वदा कल्याण का विस्तार करते रहें।